इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मेरी दूसरी बेटी के घर छोड़ने के बाद से वो मेरे लिए मर चुकी है। आपके लिए मर गई होगी, फातिहा भी पढ़ ली होगी आपने, लेकिन लोग जिंदा लोगों पर फातिहा नहीं पढ़ते। उनकी जबान पर तो आपके घर की कहानियां अभी तक गर्दिश कर रही हैं। लोगों का क्या कहना, वो तो सिर्फ बातें बनाना जानती, लेकिन जिन्हें सहना पड़ता है ना, उनसे पूछे कि हम पर क्या गुस्सा। जिस घर में इतनी बड़ी बड़ी बातों पे पर्दे डाले जाते हैं, वहां नए रिश्ते नहीं बनते, और अगर बन भी जाए तो मजबूत नहीं होते। अम्मी, मेरी बात तो सुने, मुझे तो बात करने का मौका दे। कमराल बेटा, आपकी वालदा बड़ी है, वो बात करेंगे बेटा, उन्हें बात करने दो। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगी। आपने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना कुछ छुपाया है, अब फलक के लिए क्या कुछ छुपाया है ये भी बता दीजिए। लेकिन मेरी फलक तो बहुत मासूम है। लेकिन बहन जी, मेरी बेटी की मासूमियत का खुदा गवाह है, मैं और कौसर उसके लिए कोई सफाई पेश नहीं करेंगे। आगे बहन जी, फैसला आपके हाथ में है, आप जो भी फैसला करें। देखो फालक, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो खुद जाके कामरान से बात करती, उसे मनाती और मसला हल करती। अभी मेरी कामरान से ना मंगनी हुई थी, निकाह नहीं, और वैसे भी अम्मी अबू ने रिश्ता तय किया था और वो दोनों बात कर रहे हैं। अम्मी अबू को लेकिन ऐसे लोगों से डील करना नहीं आता, मैं खुद जाके फिर बात करती। तुम्हें उन्हें डील करने की कोई जरूरत नहीं, अम्मी अबू जितनी बेबसी दिखा रहे हैं ना, वो रिश्ता खत्म करके जाएंगे। अगर ये रिश्ता खत्म हो भी जाए ना वीर, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। सबू का साया हमारे सरों पर सलामत रहना चाहिए। मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से, हमारी तरफ से रिश्ता खत्म है। अम्मी, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? चुप रहो तुम और उठो। एंजी, सुने अम्मी, एक मिनट, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे साथ चल रहे हो तो चलो, वरना फिर सुने। कामरान बेटा, सर, ये क्या हो? या अल्लाह। Hi, I'm Tasha Kalidasa. Subscribe ARY Digital to watch Sinfiyahan.